नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी अग्रवाल और अब आ गई हूँ मैं नई दिल्ली रेलवे। तो फाइनली अब हम आ गए हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार के बहुत पास। अब हम आ चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर और मैं आई थी रात को 7:50 की मेरी ट्रेन थी शिव शक्ति जो कि नई दिल्ली से थी और सुबह मेरे को 5 बजे इसने पहुँचा दिया है माँ वैष्णो देवी। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, ठंड को देखते हुए मैंने लगा लिया कैप, वाकई में बहुत ठंड है। तो माँ के दरबार में कितनी ठंड होगी जब नीचे रेलवे स्टेशन कटरा में ही इतनी ठंड है। तो जय माता दी। होटल जाने के लिए कर लिए टैक्सी का, हम जा रहे टैक्सी में। रुक जाओ, चूँकि रेडी हम लोगों ने जो रूम लिया था बहुत अच्छा होटल है, पूरी डिटेल में आपको शेयर करूंगी। और अब मैं जा रही हूँ माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने, तो आपकी और मेरी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। तो जय माता दी। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने से पहले आपको यात्रा पर्ची की जरूरत होती है और यात्रा पर्ची काउंटर क्यों? आप लोगों की यात्रा पर्ची जब बनेगी तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। यात्रा पर्ची, पहले जो यात्रा पर्ची बनती थी उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। यात्रा पर्ची की जगह आपको ये कार्ड मिलेगा। यात्रा पर्ची बिल्कुल निःशुल्क है, ये कार्ड आपको मिलेगा। ये कार्ड पहन के आपको अपनी यात्रा करनी है और जब आप लोग वापस आते हैं बाढ़ गंगा या जहाँ पर स्थिति आपका लास्ट स्टॉप है वहाँ आपको ये कार्ड जमा करना है और कार्ड जमा ना करना घोर अपराध है, ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जय माता दी। तो मैं आ चुकी हूँ माता वैष्णो देवी के भवन के बिल्कुल करीब। आप लोग देख रहे हैं मैं आ चुकी हूँ प्रवेश द्वार पर, पीछे है प्रवेश द्वार और अब हम लोग जाएंगे। यहाँ आप लोग लाइन देख रहे हैं, इसी से हमारे सारे कार्ड चेक होंगे और फिर हम अंदर एंट्री लेंगे। तो चलिए जय माता दी। और ये वही पॉइंट है अंदर आने के बाद, यदि आप लोग घोड़ा करना चाहते हैं, पिट्ठू चाहते हैं तो आप लोग घोड़ा पिट्ठू यहाँ से ले सकते हैं। और यदि आप लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड अलग बना हुआ है। तो मैं जा रही हूँ अर्थिक कुमारी तक हमेशा की तरह पैदल और अर्थिक कुमारी से मैं जाऊँगी बैटरी रिक्शा। मेरे बेटे और मेरे पापा जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से और मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मुझे जाना होता है अर्थिक कुमारी। माँ अर्थिक कुमारी के बिना कहते यात्रा पूर्ण नहीं होती, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ अर्थिक कुमारी के दर्शन के लिए और वहाँ से मैं सीधे बैटरी रिक्शे से जाऊँगी माँ वैष्णो देवी के दरबार। बीच बीच में हम लोग बराबर चलते रहेंगे। तो जब घोड़ा लेते हैं तो घोड़े का जो रेट है मुझे भैया से पता चला है 1250 रुपये है नीचे से भवन तक। यदि आप इस तरह से पिट्ठू या गाड़ी लेते हैं बच्चों के लिए जैसे मैंने लिया हो अपने लगेज के लिए, तो ये है 540 रुपये भवन तक का रेट। और अर्थ क्वालिटी तक आप ऐसा लगेज लेके जाते हैं उसका चार्ज है 350। तो चलिए यात्रा बराबर चल रही है। तो जय माता दी। हमारा सबसे पहला पड़ाव है माँ बाढ़ गंगा। तो मैं इस समय बाढ़ गंगा के मंदिर में हूँ। ये वही जगह है जहाँ जब हनुमान जी को प्यास लगी थी और माँ की सुरक्षा के लिए, माँ की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम ने माँ को यहाँ भेजा था हनुमान जी के साथ। तो माँ जब हनुमान जी को प्यास लगी तो माँ ने बाढ़ के द्वारा यह गंगा निकाली थी, उसका नाम पड़ गया बाढ़ गंगा। और ये है बाढ़ गंगा का मंदिर माँ काली दुर्गा सरस्वती। तो यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है बाढ़ गंगा का मंदिर और उसके बाद दूसरा पड़ाव हमारा आएगा चरण पादुका। इतनी धूप हो गई है तो मैंने स्वेटर हटा दिया है। तो चलिए अभी मेरा हुआ है 1 किलोमीटर की यात्रा और 6 किलोमीटर और है। अर्ध कुमारी जो है 7 किलोमीटर है। ये है चरण पादुका का मंदिर, यहाँ माता के चरण मौजूद है। ये वही जगह है जब भैरव माँ के पीछे था और माँ ने अपने चरण यहाँ रखे थे और माँ के चरण के यहाँ दर्शन हैं। और जब माँ ने पीछे मुड़ के देखा था तो तब माँ के चरण के दर्शन यहाँ हुए थे और तभी से यहाँ ये चरण मौजूद है। और इस जगह है चरण पादुका, ये जब हम लोग यात्रा शुरू करते हैं वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अब मंदिर में चलते हैं और माँ के चरण के दर्शन करते हैं। जय माता दी। ये है चरण पादुका का मंदिर, यहाँ 9 देवियाँ विराजमान हैं। बोले ये है शंभू। <दिन्दा। laughs>
अरे बाप रे बोलो फाइनली मैं अब आ चुकी हूँ माँ अर्धकुमारी के दर्शन करने के लिए। आप लोग देख रहे हैं मैं हूँ अर्धकुमारी के मंदिर में और जो कि यात्रा की आधी यात्रा मानी जाती है और ये है 6.5 से 7 किलोमीटर और मैंने ये यात्रा पैदल तय की है। और अर्धकुमारी माँ के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। माँ अर्धकुमारी या कुंवारी माँ के रूप में विराजमान है और जब प्रभु श्री राम ने माँ को कहा था कि आप वहाँ पहुँचिए, मैं आपका आप मेरा इंतजार करिए, मैं एक दिन आऊँगा। कलयुग में प्रभु श्री राम कल्कि के रूप में यहाँ आएंगे और माँ कुंवारी अर्धकुमारी से